तो हेलो गाइस, सबका स्वागत है गेम्स ऑफ फाइव की वीडियो में। और इस वीडियो हम F122 के ट्रेलर को देखने जा रहे हैं, यानी कि थोड़ा से फ्यूचर ट्रेलर आया है, देखते हैं कैसा है क्या है। और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ इसके लिए, बट मुझे पता है मतलब कब आया था, वो 31 मई को आया था और आज हो गए 4 जून। 4 दिन लेट हैं, 3 दिन लेट हैं, चौथे दिन आ गया मतलब। हाँ बट ठीक है, मैंने बताया तुम्हें मैं नहीं मिल पाता मुझे टाइम, बट आज जैसे मेरे को टाइम मिला है आज, तो बिल्कुल मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया जाए इसको हिंदी वर्जन में। इंग्लिश में तो सबने ही डाल दिया है तो अपने इंडियन लोगों के लिए क्यों ना बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया जाए, मैं क्यों रहूँ पीछे। भले ठीक है थोड़ा सा लेट है, बट ठीक है चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है फ्यूचर ट्रेलर और क्या क्या फ्यूचर्स हैं न्यू गेम में F1 के। और तो लेट्स गो, चलते हैं सीधे ट्रेलर पे। तो गाइस यहाँ पे हम ट्रेलर पे आ चुके हैं। साउंड मैंने बंद कर रखा क्योंकि स्लो मोड पे है तो काफ़ी अजीब वगरीब आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं गेम प्ले फ्यूचर मोड बोल रहा हूँ, फीचर्स की जो है इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं फीचर्स सारे। और बिल्कुल यहाँ पे न्यू हैंडलिंग, हाँ बिल्कुल यहाँ पे न्यू हैंडलिंग तो होने वाली थी क्योंकि ये न्यू एरा है, मतलब कि न्यू कार डिजाइंस हैं पिछले साल और मतलब अब नई एरा आ गई है, नए कार नए डिजाइंस हैं कार के। डेफिनेटली वो एक होने वाला था कि न्यू हैंडलिंग होगी कार की, तो वो एक बिल्कुल एक पॉइंट है कि हम क्यों ले इस गेम को। तो डेफिनेटली वो एक न्यू कार डिजाइंस आए हैं नए नए, इतने सालों बाद, कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए यार न्यू आ रहा आई है, कम से कम 8 साल मेरे ख्याल से। तो डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट होने वाला है कि आप लेंगे इस, मतलब बहुत सारे लोग इस वजह से भी लेंगे। और आगे चलते हैं, लेक्लेयर को ओवरटेक करते हुए मैक्स वर्स्टापन को देखते हैं। F1 स्प्रिंट जो कि ये बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगा कि F1 स्प्रिंट भी है, बट डेफिनेटली वो पता भी था कि F1 स्प्रिंट होगी F122 में, क्योंकि बिल्कुल पिछले साल से ही वो लोग ट्राई कर रहे थे, मतलब F1 ट्राई कर रही थी। और बिल्कुल फिर अगर F1 जो ट्राई करती है तो वो गेम में ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर आ ही जाता है, जैसे अगर वो इस साल कुछ और ट्राई करे तो वो अगले साल हमको दिख जाएगा देखने को। बट F1 स्प्रिंट तो काफ़ी मतलब मज़ा आने वाला है, मल्टी करियर मोड में काफ़ी अच्छा मतलब मज़ा आएगा, मैं रखूँगा इसको। और एक अच्छा ये भी फीचर है, तो बिल्कुल मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड F1 स्प्रिंट के लिए, क्योंकि एक अलग दो रेस होंगी मतलब देख छोड़। हाँ वो ठीक है 100 किलोमीटर की रेस होती है, बट ठीक है मेरे को तो ठीक लगा फॉर्मूला, वही है बोरिंग हो जाती है कई बार, बर्कअप कभी नहीं हुई थी बोरिंग, बहुत वही आती है बहुत सारे लोगों का है, बट गेम में मेरे ख्याल से ठीक रहा है। गेम में तो हम मज़े लेंगे ही पूरे F1 स्प्रिंट के, तो रियल गेम में नहीं पता, बट गेम में तो हम पूरे मज़े लेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या है और कौन कौन से फीचर्स हैं, फ्यूचर क्यों बोल रहा हूँ या फीचर्स को, ये पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, ये इटली का नहीं हुई बोला कब था वो। यहाँ पे फॉर्मेशन फ्लैप ब्रॉडकास्ट, यानी कि जैसा कि मैं दिखाता था पहले जो हल्का सा ही ब्रॉडकास्ट वो अपने आपको फ्लैशबैक से दिखाता था मैं, बट इस बार हम पूरा ही कर सकते हैं। और यहाँ पे ये तुम लोग देखो तो यहाँ पे अब कार ऑटोमेटिक भी तुम कर सकते हो, मतलब जैसे स्टैंडिंग्स पे खड़ी होती है, स्टार्ट पे खड़ी होती है जब रेस स्टार्ट हो रही होती है, और खुद से भी कर सकते हो जो कि पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, पहले कार खुद ही मतलब जाके खड़ी हो जाती थी और उसके बाद सीधे लाइट्स ऑन होती थी और एंड लाइट्स ऑफ, बट इस बार ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है। और बिल्कुल आप वो भी हैंडल कर सकते हो कि आपको खुद मतलब खड़ी करनी है या ऑटोमेटिक वो वहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी। और ब्रॉडकास्ट कैमरा होगा लोगों, यानी कि आपको पूरा लैब पे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा फॉर्मेशन लैब का, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे ख्याल से। बिल्कुल मेरे को तो मतलब काफ़ी हेल्प मिलेगी इस फीचर से, क्योंकि मैं मार्टिंग करियर मोड को और अच्छे तरीके से फॉर्मेशन लैब को दिखा पाऊँगा। बाकी पिट स्टॉप बिल्कुल इसमें भी वही आपका सेम, बिल्कुल सेम है, आपके पास ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट से देख सकते हो आप, या आपकी मर्जी है आप खुद कर सकते हो। और आपको और इसमें भी ये है कि आप पहले पिट स्टॉप में कार खुद मतलब जाके पिट अपने आप, जब आप पिट लाइन के अंदर नहीं चला सकते थे, बट इसमें अब वो फ्यूचर आ गया कि आप खुद टर्न करके आप अपने टीम क्रू के पास से ले जाके खड़ी कर सकते हो। और इसकी मतलब ये भी एक काफ़ी मतलब मज़ेदार फीचर है, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर लगे हैं ये, तो मेरे को खुद आप हैंडल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी ब्रॉडकास्ट कैमरा एंगल से भी देख सकते हो, और बिल्कुल सेफ्टी कार में भी मेरे ख्याल से वो है चीज़, जब सेफ्टी कार आएगी तो उसमें भी आप कर सकते हो। और एक बेहतरीन एक और फीचर पिट स्टॉप एरर्स, यानी कि अगर हम लीड कर रहे हैं रेस और जैसे कि तुम देखते हो जैसे कि बोल्ट आ रही बोटास का, वो तो बिल्कुल ही अटक गया था, बट उतना मेरे ख्याल से नहीं होगा, या अगर उतना होता है अगर हमें पिट स्टॉप की वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ता, बट मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा,
तो मैं बट लेट हो सकती है पिट स्टॉप, जिससे टायर अटक जाएगा एंड बिल्कुल आप फिर गुस्से में आ जाओगे, अरे कैसे काम करेगा, अरे तू कैसे मतलब कैसे कर दी तूने पिट स्टॉप, फिर आप गालियाँ बकेंगे अपने टीम में जैसे बिल्कुल जैसे लेक्लेस ने बकी थी, बट वो तो स्ट्रेटजी के लिए बकी थी। बट डेनियल रिकार्डो वाला कोई याद आ नहीं रहा मेरे को ढंग का पिट स्टॉप एरर, मतलब जो जिसमें टायर अटक गया हो, बट ये काफ़ी बढ़िया फीचर है एंड मेरे ख्याल से अगर लीग रेसिंग मल्टीप्लेयर में भी होता है तो मज़ा ही आने वाला है फिर मेरे को, मतलब मैं तो चाहता हूँ ये हो। और एक और बेहतरीन फीचर मेरे ख्याल से इस गेम के अंदर है, बाकी सेफ्टी कार पीरियड्स ब्रॉडकास्ट, जैसे कि मैंने बोला आप सेफ्टी कार में भी आप खुद हैंडल कर सकते हो जैसे कि हम पहले करते ही थे, या आप ब्रॉडकास्ट से भी देख सकते हो इसको जो जैसे कि मैंने बताया। एंड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स जो कि होते हैं बट अब की मेरे कैसे न्यू आए हैं है भाई, बट अलग टाइप के हैं मेरे कैसे, थोड़े से अलग दिख करे गए हैं। एडेप्टिव एआई जो कि हमेशा ही उनका कह रहती है, बट कई बार काफ़ी अच्छी पिछली एआई काफ़ी अच्छी थी पिछले गेम की, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एआई डिफिकल्टीज, ये तो सेम ही फ्यूचर है। अबू धाबी अपडेट्स, यहाँ पे अबू धाबी जो कि अपडेट्स हुए हैं सर्किट्स, यहाँ पे अबू धाबी दिखाया गया, वो जो शिकेन होते थे पहले मेरे ख्याल से उसको अब नहीं है, वहाँ पर जब वो कर्व कर दिया गया है, हेयर पिन बना दिया गया है, तो वो अब अपडेट होके आएंगे। यहाँ पे सारे ट्रैक्स ऑस्ट्रेलिया जो कि अपडेटेड हुआ था अभी बिल्कुल, और स्पेन भी अपडेट हुआ है, तो बिल्कुल पिछले साल ही अपडेट हो गए वो तीन ट्रैक, और बट पिछले साल आए नहीं थे, बट इस साल हमें तीनों ट्रैक अपडेटेड मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जैसे कि मैंने बोला, एंड स्पेन भी है बिल्कुल, ये रहा स्पेन, पहले हम उधर से टर्न कर देते, थोड़ा हल्का स्टेट था और उसका टर्न था ऊपर जाके, और यहाँ पे एक न्यू ट्रैक मियामी ग्रैंड प्री, मतलब मियामी का ट्रैक है, और ये काफ़ी अच्छा ट्रैक मतलब ठीक है, मतलब एक और स्ट्रीट सर्किट मेरे को पसंद नहीं है, स्ट्रीट सर्किट सिर्फ बाकू पसंद है मेरे को स्ट्रीट में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट मैं जिसके लिए कर रहा था जब से मैंने सुना था लीक सुने थे F1 लाइफ के बारे में, वो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे सुपर कार्स फोर्जा होराइजन की तरह तुम चला सकते हो, लेकिन सिर्फ ट्रैक पे, हम फोर्जा होराइजन में कहीं पे भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें अब ऐसा नहीं है, आप सिर्फ ट्रैक पे चला सकते हो, लेकिन चला सकते हो आप सुपर कार्स, तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। एंड मैं फिर से फ्यूचर बोलने वाला था, और ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे घर में है ये लोग, घर में है ये लोग, और मेरे ख्याल से ये लोग पता नहीं अगर ये पता नहीं स्पोर्ट मतलब अपने दोस्तों को बुला सकते हैं इसके अंदर, ये नहीं पता मेरे को, जैसे GTA 5 में आप लोग घूमते हो दोस्तों के साथ बट और जैसे कार दिखा सकते हैं इसमें या ये, तो ये मेरे को भी पता नहीं है, बट अगर ये अगर अपने दोस्तों को ऐसे बुला के हम जैसे ये लोग देख रहे हैं बैठे हैं तुम लोग देख सकते हो, और तो बिल्कुल अगर ऐसा फ्यूचर आता है कि हम दोस्तों को दिखा सकते हैं तो भाई बंद ही आ जाएगा मतलब। एंड यहाँ पे डेफिनेटली सेलेक्ट कर सकते हैं अपने करेक्टर सीट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उनका डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और एक बात है यहाँ पे यूनिक बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब बिल्कुल रियल ब्रांड यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे, तुम देख सकते हो स्टैंस एंड पुमा के शूज, पुमा भी है तो देख सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। एंड पढ़ाई हो गया लोग अभी मेगा से माई टीम कभी मोड में हम स्पॉन्सर की नेम यूज़ नहीं कर सकते, बट मैं चाहता हूँ कि कभी वो भी हो कि फिर मतलब जैसे हम स्पॉन्सर नहीं करते हैं, जैसे हमारा AI है स्पॉन्सर अभी था, तो वैसे वो हट जाए, कभी एक दिन ऐसा भी है कि फ्रेली हम चिपका सकते हैं अपनी कार के ऊपर ऐसे, मतलब जैसे पुमा है तो वैसे वो लोग भी वो भी आ जाए, सिर्फ मेरे ख्याल से ये सिर्फ कपड़ों के लिए हैं मेरे ख्याल से रियल ब्रांड्स, मेरे ख्याल से कार में नहीं है तो बिल्कुल, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है ये जो भी आया है, रियल ब्रांड्स हैं इस गेम में, और ये रेस सूट हैं, 6 ही रेस सूट हैं, बाकी तो आपको फिर मिल ही जाते हैं उसमें स्टोर में जाके, वो धीरे धीरे जैसे आप खेलेंगे आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे इंटीरियर भाई सोफ़ा भी है, सोफ़ा भी चेक मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पहले हम हेलमेट सेलेक्ट करते थे एज ए F1 ड्राइवर गेमर, बट आप अपना घर ही बना सकते हैं F1 के अंदर अपना, और घर की चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे सोफ़ा से रखना है, हेलमेट ही नहीं आप अपना सोफ़ा भी डिजाइन कीजिए, और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे डिजाइन से, यहाँ पे बॉल पे हम जो लगाते हैं मैं देखो भूल गया यार, ये फुटबॉल आर्ट डेफिनेटली मैं भूल पता नहीं क्यों जाता हूँ वीडियो में आके सब कुछ,
आता है मेरे को। और यहाँ पे आप डेफिनेटली यहाँ पे फ्लोर भी चेंज कर सकते हो, देख लो ये देखो चेंज होता हुआ, एंड बिल्कुल यहाँ पे बॉल भी चेंज होती हुई, पीछे से बैकग्राउंड सब चेंज होता हुआ, सब कुछ आपके पास ऑप्शन है, आप सब कुछ कर सकते हो इस गेम के अंदर F1 लाइफ में। और यहाँ पे अपने गैराज में आप जो दिखाना चाहते हैं वो आप अपनी कार भी सेलेक्ट कर सकते हैं दिखाने के लिए अपने दोस्तों को। और बिल्कुल यहाँ पे फरारी खड़ी है और ऑस्टन मार्टिन, और यहाँ पे अपनी ट्रॉफीज का भी आपका कैबिनेट होगा एक। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा है बाकी, और वो मतलब बिल्कुल ही ये अच्छा है, ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है ये। और यहाँ पे आगे चले तो यहाँ पे माई टीम करियर मोड को कैसे कोई भूल सकता है, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हमारी कार है, ये ही होने वाली है, यही डिजाइन होने वाला मुझे लगता है, बट आई होप ये डिजाइन हो ना, मुझे नहीं पसंद है ये नहीं भी पसंद है, फरारी रेड बुल टाइप मतलब हो, मतलब बाकी जो रियल कार के जैसे हो, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कितनी मोटी यहाँ पे नाक है इसकी, मतलब वो ठीक है यार, वो ये शो का वाला डिज़ाइन है, बट थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, आई होप जब गेम लॉन्च होगा तो थोड़ी सी और अच्छी दिखेगी, अभी भी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है, बट थोड़ा सा आप चाहते हो ना आपकी भी अच्छी कार दिखे, जैसे फरारी कितनी अच्छी दिखती है देखने में, रेड बुल सारी कार्स अच्छी लगती हैं, मर्सिडीज भी तुम देख सकते हो, साइड बोर्ड उसके नहीं है तो एक अलग ही मतलब मज़ा ही आता देखने में उसको, एंड सारी कार्स में अलग अलग अपनी चीज़ें हैं, इतनी मोटी नाक तो किसी की भी नहीं है जितनी मतलब नोज तुम देख सकते हो फ्रंट पे कितनी मोटी है यार, बट ठीक है अगर ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पतला करें, थोड़ा सा अच्छा करें उसको, और थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं ओमेगा से, आई होप वो कर दे ओमेगा से, या सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए हो, क्योंकि अभी अभी रियल मॉडल्स अभी आए हैं नहीं, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से एक और थोड़ा सा सेक्सी बनाए इस कार को। एंड यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में आप डेफिनेटली जो कि मर्च वर्च पुश कर सकते हैं, वही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो आता था हमारा, मतलब ये वही मार्केटिंग के ऊपर है कि जब वही है तो आप वो तो मिशन आते ही रहते हैं, तुम लोगों ने देखा ही मार्केटिंग करे मोड, ये सब मार्केटिंग करे मोड की चीज़ें हैं जो कि हमेशा आती रहेंगे हमारे पास, टीम बैलेंस वैलेंस एड एनिमिक्स पर्सनल ये तो सब था ही, अभी भी कोई नई चीज़ गया अभी से, हाँ ये काफ़ी ओ ये व्यू जैसे कि हम लोग देखते हैं काफ़ी कुछ नया दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा है वैसे, ठीक है दिख जाएगा जब गेम खेलेंगे, कुछ तो नए हो गए ये काफ़ी, मैं कहते सिनेमेटिक्स जो सीन है वो नए होंगे, और बिल्कुल ज़्यादा भी था वैसे मैं कहते, बट अभी ओ ये नया है, ये नया है, ये नया है, एंड बिल्कुल अभी सब कार्स एक ही जैसी दिख रही है, तुम लोग देख सकते हो कुछ कुछ चेंज हुई है, कौन अल्फा था और रियल है, ऑस्टन मार्टिन में आई थिंक रियल थी, पीछे करके देखते हैं मिनट कौन कौन सी कार रियल है देखते हैं हम, रेड बुल सेम, फ्राई सेम, मेरे ख्याल से मिकलरन भी सेम ही है, बट अल्फा तौरी बिल्कुल रियल थी, एंड ऑस्टन मार्टिन में इसमें रियल दिखाई गई है, और ये आपका वही व्हीकल आ जाता है आपका इंजन इंजन सब वो सेम ही है, एंड ये ड्राइवर करियर मोड सिंगल एंड टू प्लेयर करियर मोड, आप सिंगल भी खेल सकते हो अपने दोस्तों मतलब अपने भाई बहन दोस्त के साथ भी खेल सकते हो, टू प्लेयर करियर मोड मतलब, और बिल्कुल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने ट्रैक्स मनपसंद, और अपना सीजन सेलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली अपने माई टीम मोड बोल रहा हूँ करियर मोड में कि कितने ट्रैक रखना है कौन कौन सा रखना है, ये काफ़ी अच्छा फ्यूचर लगता है मेरे को, आई होप माई टीम करियर मोड में भी हो, चाहे वो 16, 17, 18 वाला ना हो, हम अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो रख सके हो, क्योंकि वो पिछली इस बार था नहीं मैं, वो बहुत दिक्कत हुई उस चक्कर में। स्प्लिट स्क्रीन एंड मल्टी प्लेयर ये तो पहले भी था फ्यूचर पिछले गेम में भी 2021 में भी, तो ये कोई न्यू फ्यूचर नहीं है, बट ये है ठीक है मेगा से, और इसमें तो सुधार अच्छा खासा हुआ होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे माइटिंग करिए नहीं माइटिंग करिए मोड क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे F2 की कार्स हैं ये तो बिल्कुल F2 कार्स, और F2 में भी काफ़ी मज़ा आता है, F2 की कार्स भी चलाने में वो अलग ही एक फीलिंग आती है, एंड बिल्कुल मेगा करियर मोड में F2 होगा, और माइटिंग करियर मोड F1 लाइफ में भी आई थिंक होना चाहिए, पता नहीं कैसे F1 लाइफ कैसी होगी, मेरे को F1 लाइफ देखनी है कैसे स्टार्ट कैसे होगी है, ख़त्म कैसे होगी, ख़त्म भी होगी वो कभी पता नहीं, बट वही है ना एक वो है ना सस्पेंस बना हुआ है मेरे लिए तो है, काफ़ी लोगों को पता भी है मेगा कैसा है, बट मेरे को कभी जानना भी नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ F1 लाइफ के लीक्स, क्योंकि आप जब पहले देख लो जो चीज़
तो आपका फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो आप क्यों देखना चाहते हैं। मैं ठीक है लीग्स के बारे में, एंटर द न्यू एरा गाइस, और बिल्कुल इस न्यू एरा के लिए आई होप, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप तुम लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। July 1st, 2022 तो ये गेम लॉन्च हो रहा है, एंड तुम लोग भी बिल्कुल जाके ले सकते हो स्टीम से, प्ले स्टेशन स्टोर से। और मैं देख लेता हूँ कौन कौन से इसमें इन्होंने दिए हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते, यही दो स्टोर याद रहता है। एपिक गेम से भी तुम लोग इस बार इसको ले सकते हो, मैंने शायद देखा था एपिक गेम्स पे, एंड जो भी एक्सबॉक्स का स्टोर होता है वो भी ले सकते हैं, बहुत सारे स्टोर्स हैं। EA से भी ले सकते हैं, EA की वेबसाइट से जाके प्री ऑर्डर कर सकते हो तुम अभी जाके। अभी मैंने किया नहीं है, बट मैं ये बहुत जल्द करने वाला हूँ इस गेम को, क्योंकि तुम लोगों को दिखाना है मुझे ये 1 जुलाई को ही लाके, अगर मैं सही टाइम पर डाउनलोड कर लूँ उसको, क्योंकि वो लॉन्च वहाँ के हिसाब से होता है, यहाँ पे फिर पता नहीं कब रात वात हो जाती है, दो को मैं दिखा पाता हूँ, फिर डाउनलोड करते करते वो इतनी हो जाता है। बट आई होप कि 1 को मेरी कोशिश रहेगी, बट डेफिनेटली अभी तो बहुत दिन है, अभी तो काफ़ी दिन है, तो मिलते हैं बहुत जल्द गाइस इस गेम के साथ, तो मिल ही जाएंगे हम बहुत जल्द। बट आई होप तुम लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।